हेलो, आप देख रहे हैं दिलालन टॉप। वरुण धवन ने 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया था। वरुण अब तक करीब 12-13 फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन अक्सर उनकी जो तुलना है वो गोविंदा या सलमान खान से होती रहती है। उन्होंने सलमान खान की फिल्म जुड़वा की रीमेक में काम किया और गोविंदा की कुली नंबर 1 के रीमेक में वो काम करने वाले हैं, मतलब शूटिंग कर रहे हैं। तो कंपैरिजन का एक कारण तो ये भी है। इसके अलावा लोग वरुण की फिल्मों के जॉनरों को देखकर, मतलब इसमें डांस का स्टाइल, एक्सप्रेशन, एक्टिंग को सलमान खान और गोविंदा की एक्टिंग से जोड़ देते हैं। हाल ही में डेविड धवन ने एशियनेट से बात की, यहाँ उनसे भी यही सवाल पूछा गया कंपैरिजन वाला। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि गोविंदा और सलमान खान से बहुत अलग एक्टर है वरुण। जब वरुण ने जुड़वा की रीमेक में काम किया तो उन्होंने वो करने की कोशिश नहीं की जो सलमान ने किया। जैसा काम सलमान खान या गोविंदा ने किया है वो कोई एक्टर नहीं दोहरा सकता। जैसे वरुण जुड़वा 2 में सलमान खान से अलग दिखे थे, वैसे ही कुली नंबर 1 में भी वो गोविंदा से अलग अंदाज में ही नजर आए। गोविंदा और करिश्मा कपूर की जो ये फिल्म थी कुली नंबर 1, डेविड धवन और गोविंदा की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। इस इंटरव्यू में उन्होंने गोविंदा के बारे में भी कुछ कहा है जिसको जानने के लिए हो सकता है आप इंटरेस्टेड हो, तो सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं गोविंदा की फिल्मों की ईमानदार रीमेक नहीं कर सकता। पहली बात तो ये कि वरुण गोविंदा की तरह नहीं है। अपने स्टाइल और तरीके में गोविंदा एक लेजेंड थे और कोई उनकी कॉपी नहीं कर सकता है। हसीना मान जाएगी, हीरो नंबर 1 और कूली नंबर 1 जैसी फिल्मों में मैंने और गोविंदा ने मिलकर जिस तरह का काम किया है उसे किसी और एक्टर के साथ दोहराया नहीं जा सकता। गोविंदा ने डेविड धवन के साथ 17 फिल्मों में साथ काम किया है। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। इनमें हसीना मान जाएगी, कुआरा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और जोड़ी नंबर 1 जैसी फिल्में भी हैं। हालांकि बाद में ये कहा गया कि दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और बात इतनी बढ़ गई कि बोलचाल भी बंद हो गई। लेकिन दोनों ने आखिरी बार जो फिल्म की थी साथ में वो थी डू नॉट डिस्टर्ब। सलमान खान ने डेविड धवन की डायरेक्शन में 8 फिल्मों में काम किया है। पार्टनर के बाद सलमान और डेविड भी अब तक साथ कोई फिल्म नहीं लेकर आए हैं। खैर, जुड़वा 2 का निर्देशन डेविड धवन ने ही किया था। गोविंदा के बाद वरुण धवन जिस कुली नंबर 1 के रीमेक में काम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, उसको भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रही है, जो प्रोड्यूसर वासु बगनानी की कंपनी है। अब फिलहाल जो है वो शूटिंग चालू है। ये फिल्म मजदूर दिवस यानी 1 मई 2020 को रिलीज होने वाली है। आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है, इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ कहना है, डेविड धवन ने जो गोविंदा के बारे में कहा है उसके बारे में कुछ कहना है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स खुला है, आप बताएं। और सिनेमा जगत की ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिलालन टॉप। शुक्रिया। कविता कहानी के डेली डोज के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक.ललनटॉप। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।